हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और इंजन रिबिल्ड की वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अपनी जो प्लेटिना है उसका जो इंजन है उसको अच्छे से अरेंज कर लिया है एंड अभी इसकी जो रिबिल्डिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले ये वाला जो इंजन है ये सेम और भी इसकी जो रिबिल्डिंग की प्रोसेस है वो और भी काफ़ी सारे इंजन पर अप्लाई करी जा सकती है, जैसे कि पुराने वाले सी टी 100, बजाज कैलिबर, बजाज फॉरेस्ट चैम्पियन एंड जो डिस्कवर 112 आती थी वो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने कमेंट सेक्शन से प्राप्त करी है, हमारे सब्सक्राइबर हैं रामदास जी, उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करी है, सो ए बिग शाउट आउट टू हिम। एंड अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना जो एलएच क्रैंक है उससे। तो चीज़ें हैं उनको मैंने जितना क्लीन हो सकती थी उतना किया है, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। एंड अभी सबसे पहले जो ये स्टॉपर प्लेट है या फिर गाइड प्लेट आप इसको बोल सकते हैं किकशाफ्ट की, उसके दो ये जो स्क्रूज हैं इनको चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली टाइट हैं क्या। वैसे अगर आपने इनको रिमूव कर लिया है तो इन पर थोड़ा सा लॉक टाइट यूज़ करके आप इनको फिर से लगा दें। और डायरेक्शन आप इसकी देख सकते हैं, जो कर्व है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। एंड नेक्स्ट चीज़ है इसमें जो बैरिंग्स हैं उनको इंस्टॉल करना। तो ये नीडल बैरिंग है, ये इजीली ख़राब भी नहीं होते हैं और इजीली मिलते भी नहीं है, तो इसको हमने नहीं रिमूव किया, बट ये सही है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अभी बारी आती है यहाँ पर जो बैरिंग इंस्टॉल होता है उसको लगाने की। तो ये बैरिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड ये जो बैरिंग्स हैं ये दो या फिर चार की जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर आते हैं, तो इसलिए इसका जो आउटर कवर है वो नहीं शो कर सकता। बाकी आप देख सकते हैं कि ये टाटा का बैरिंग है एंड 6203 इसका जो नंबर है वो है। ओलाइट सो बैरिंग इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो एरिया है इसको लुब्रिकेट करेंगे एंड उसके बाद जो बैरिंग है उसको प्लेस करके इंस्टॉल कर देंगे। और ये चीज़ें काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस हो चुकी हैं, तो लेंथ है वीडियो की वो इंक्रीज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस इंजन में अलग से चीज़ें लगने वाली हैं सिर्फ उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओलाइट सो अभी इंजन में जहाँ जहाँ जगह हम जो पार्ट्स हैं इंस्टॉल करने वाले हैं वहाँ पर अभी एक साथ ही लुब्रिकेट कर देते हैं सारी चीज़ों को, जिससे कि फ्रिक्शन है वो अर्ली स्टार्ट में थोड़ा कम हो। उसके बाद बात करते हैं दुनिया के सबसे आसान गियरबॉक्स की। इतना सिंपल गियरबॉक्स मैंने अभी तक इसी बाइक में देखा है। तो ये इसके आउटपुट शाफ्ट है, उसके गियर्स हैं, ये इनपुट शाफ्ट है और उसके गियर्स हैं। तो सबसे पहले आउटपुट शाफ्ट है उसको बिल्ड करते हैं। तो इसमें जिस साइड आपको 6 होल्स दिख रहे हैं उनको बाहर रखते हुए, जो प्लेन साइड है उसको इस तरफ रखते हुए इसको कुछ ऐसे लगाना है। एंड यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है जिसके अंदर इसका ये वाला जो लॉक है वो लग जाएगा। तो ये जो लॉक है इसको लगाने के लिए आपको एक सरक्लिप रिमूवर या इंस्टॉलर जो टूल होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टूल की हेल्प से ये जो क्लिप है इसको एक्सटेंड करके जो स्लॉट है उसके अंदर ले जा करके ऑल द वे इंस्टॉल कर देंगे। एंड जब आप पूरा इसको इसका जो स्लॉट है उसमें पुश करेंगे तब एक क्लिक साउंड आएगी जस्ट लाइक दैट। थोड़ा इसका रोटेट करके देख लें एंड यहाँ पर ऑयल लगाना ना भूलें। उसके बाद ये वाला जो गियर है ये लगेगा। तो इसमें दोनों साइड 3 ही आपको स्लॉट्स दिखेंगे, बट एक साइड छोटी है दूसरी साइड बड़ी है। तो बड़ी वाली साइड को बाहर रखना है, छोटी वाली साइड को अंदर, और इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। एंड ये वाला जो गियर है इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये इसके अंदर स्लॉट हो जाएगा। उसके बाद लगानी है ये एक डाउल जो कि यहाँ पर लगेगी। इसको लगाने से पहले थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लें। एंड उसके बाद लगेगा ये वाला गियर जो कि साइज़ में सबसे बड़ा है। तो इसमें एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्लॉट सा बना हुआ है, खड्डा जिसको बोलते हैं। तो इसको आप अंदर की तरफ रख के इसको कुछ ऐसे लगा दें एंड इसको स्लॉट करके देखें कि ये परफेक्टली स्लॉट हो रहा है या नहीं। एंड विद दैट बीइंग सेड हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। अभी बारी आती है इनपुट शाफ्ट की। तो इनपुट शाफ्ट में ये एक गियर है जो कि बिल्ट इन है जस्ट लाइक आउटपुट शाफ्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर ये वाला गियर लगेगा। तो इसमें जो प्लेन साइड है उसको अंदर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। उसके बाद ये एक सर्कलिप है जो कि यहाँ पर स्लॉट है उसमें लगेगी। तो इसको लगाते हैं जो स्पेशल टूल है उसकी हेल्प से। उसके बाद ये वाला गियर लगेगा। तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स एक साइड दिखेंगे एंड 6 पॉइंट्स हैं वो दूसरी साइड। तो ये जो 6 पॉइंट्स वाली साइड है इसको अंदर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से स्लॉट करना है। उसके बाद ये वाला गियर लगेगा। तो इसमें प्लेन साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है और जो 3 पॉइंटर्स हैं उनको अंदर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर कुछ ऐसे लगाना है। थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट कर लेते हैं। एंड उसके बाद एक ये थोड़ा सा अलग दिखने वाला वॉशर है ये लगेगा यहाँ पर। और ये हो गया हमारा गियरबॉक्स रेडी। अभी इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसके अपोजिट ये वाला सेक्शन रखते हुए जो गियरबॉक्स है उसको कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ मर्ज करना है। एंड इसको अभी हम हमारा जो क्रैंक केस है उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो बड़ा वाला बैरिंग है उसके अंदर हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो लगेगी एंड छोटा वाला नीडल बैरिंग है उसके अंदर हमारी जो इनपुट शाफ्ट है वो लगेगी। और इनको कुछ इस तरीके से लगाना है। जो इनपुट शाफ्ट में वॉशर लगा हुआ है उसको आप माइंड में रखें एंड इसको ड्रॉप कर दें जस्ट लाइक दैट। उसके बाद ये दो शिफ्ट फोक्स हैं इनको लगाना है। तो इनमें भी काफ़ी सिंप्लिसिटी है। जो बड़ी साइज़ का है वो हमारी आउटपुट शाफ्ट में लगेगा, छोटी साइज़ का वो इनपुट शाफ्ट में। और इनको लगाने की प्लेसमेंट ऐसे होने वाली है कि इनपुट शाफ्ट हमारी इस साइड है
आउटपुट शाफ्ट इस साइड है, अभी शिफ्टर ड्रम बीच में लगेगा, तो इसके जो ये पिन पॉइंट्स हैं इनको हमें अंदर की तरफ रखना है, तो इसमें हम ऐसे लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे एंड हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसमें ये ऐसे लगेगा। एक बार फिर से आप इनकी जो डायरेक्शन है वो नोट कर सकते हैं। और आउटपुट शाफ्ट में ये वाला जो गियर है, इससे नीचे जो गियर है उसके बीच में स्लॉट बना हुआ है, उसके अंदर हमारा जो फोर्क है वो लग जाएगा, और इसको इस साइड कर दें एक बार के लिए। एंड इनपुट शाफ्ट में ये जो गियर है, इसके नीचे वाला जो गियर है उसके अंदर लगेगा ये। आई नो आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, बट सॉरी फॉर दैट, ये एरिया काफ़ी कंजस्टेड है, बट आई थिंक यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि आउटपुट शाफ्ट में जो फोर्क है वो यहाँ पर है एंड इनपुट शाफ्ट में जो फोर्क है वो यहाँ पर है। ऑलराइट, सो अभी बारी है जो शिफ्टर ड्रम है उसको इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले इसकी जो गैलरीज जिसके अंदर जो शिफ्टर फोर्क्स है वो राइड करने वाला है, उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है एंड उसके बाद इसका ये वाला जो एरिया है उसको ये वाला जो स्लॉट है उसके अंदर इंस्टॉल करना है कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अभी जो शिफ्टर फोर्क है उसको, जो हमारा ड्रम है उसके अंदर जो लाइन्स हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। एंड सेम प्रोसेस दूसरी साइड होने वाली है, जो गियर है उसको ऊपर की साइड पुल करते हुए जो स्लॉट है उसके अंदर जो फोर्क है उसको इंसर्ट करना है। और अभी ये वाला जो फोर्क है इसका जो होल है उसको क्रैंकेस है उसमें जो होल बना हुआ है उसके साथ अलाइन करके रखना है, दोनों साइड सेम तरीका। एंड उसके बाद बारी आती है इन दोनों की जो गाइड पिंस हैं उनको इंस्टॉल करने की। तो पिंस हैं वो दोनों साइज में सेम है, तो आप किसी को भी किसी भी साइड लगा सकते हैं। तो जस्ट इसको फोर्क के अंदर से पास थ्रू करके जो होल है उसके साथ लाइन करके पुश करना है एंड सेम चीज़ दूसरी साइड रिपीट करनी है। ऑलराइट, सो अभी अपना जो क्रैंकेस है उसको थोड़ा सा लिफ्ट किया है बिकॉज जो क्रैंक है वो काफ़ी लंबी है, तो अगर इसको ग्राउंड पे प्लेस करके रखते तो क्रैंक शाफ्ट हम इंस्टॉल नहीं कर पाते। एंड ये रही हमारी क्रैंक शाफ्ट, तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये वाली जो साइड है ये नीचे की तरफ करके लगानी है। इसमें यहाँ पर जो टाइमिंग चैन ड्राइव करती है उसका स्प्रॉकेट है, और ये वाला जो बैरिंग है ये 6304 है, सो कीपिंग दैट इन माइंड इसको इस तरीके से यहाँ पर स्लॉट करना है एंड हल्का सा पुश करेंगे तो जो क्रैंक है वो ऑल द वे इंसर्ट हो जाएगी। अभी इसमें ये वाला जो होल है इसके अंदर ऑयल पोर करेंगे ऑल द वे जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाए एंड उसके बाद जो कनेक्टिंग रोड है उसकी हेल्प से जो क्रैंक है उसको रोटेट करेंगे। और अभी बारी आती है जो गैस्केट है उसको लगाने की, तो इसको इसके जो सारे होल्स हैं उनके साथ अलाइन करना है, यहाँ पर एक डाउल लगी हुई है उसके साथ अलाइन करना है एंड वी आर गुड टू गो। और ये जो गैस्केट है इसको मैंने ग्रीस में लुब्रिकेट किया है हल्का हल्का एंड उसके बाद यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। और इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको हमें कट करना पड़ेगा, बट वो आप अभी चाहें तो अभी कर सकते हैं, बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ऑलराइट, सो अभी जो RH क्रैंकेस है उसको प्रेप करने की बारी है, तो इसमें बेसिकली हमें तीन बैरिंग्स इंस्टॉल करने हैं। एक बैरिंग यहाँ पर लगेगा जो कि 6201C3 है, तो उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर एक बैरिंग लगेगा हमारा क्रैंकशाफ्ट वाला, जो कि पहले जो क्रैंकशाफ्ट में बैरिंग लगा हुआ है उसके जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम 6304। एंड उसके बाद यहाँ पर एक बैरिंग लगेगा जो कि है 6203, बट ये वाला बैरिंग बाहर की तरफ से लगेगा। ये दोनों बैरिंग्स यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल होंगे एंड ये वाला जो बैरिंग है ये बाहर की तरफ से कुछ ऐसे लगेगा। तो इन तीनों बैरिंग्स को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो क्रैंकेस है उसको हमारा जो दूसरे वाला क्रैंकेस है उसके ऊपर प्लेस करते हैं एंड जो प्रोसेस है उसको आगे मूव करते हैं। और क्रैंकेस है उसको फिट करते टाइम एक चीज माइंड में रखनी है, वो ये कि इसमें दो डाउल्स लगती हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बट इन दोनों डाउल्स की साइज सरप्राइजिंगली सेम नहीं है। यहाँ पर डाउल है वो काफ़ी बड़ी साइज की है एज कम्पेयर टू दिस वन, यहाँ पर जो डाउल लगती है वो इसमें ऑलरेडी लगी हुई है एंड जो दूसरे वाली डाउल है वो इसमें यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है जो कि रिमूव नहीं हो सकती है। तो दोनों डाउल्स हमने चेक कर ली, अभी इसको केयरफुली जितने भी इसके बैरिंग्स हैं उनके अंदर से जो भी शाफ्ट्स वगैरह लगनी है उनको पास थ्रू करते हुए ऑल द वे पुश कर देंगे। थोड़ा सा अगर टैप करने की ज़रूरत पड़े तो आप एक मैलेट यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी जो क्रैंकेस है उसको होल्ड करते हुए दूसरी साइड रोटेट कर देते हैं एंड अभी इंस्टॉल करते हैं जो क्रैंकेस के बोल्ट्स हैं उनको। तो टोटल 10 बोल्ट्स लगने वाले हैं, जिसमें से 3 बोल्ट्स हैं वो बड़ी साइज़ के हैं और सेम है एंड बाकी के जो 7 बोल्ट्स हैं वो सेम है। तो जो 3 बड़े बोल्ट्स हैं उसमें से एक यहाँ पर, दूसरे वाला यहाँ पर एंड जो थर्ड वन है वो यहाँ पर लगेगा। एंड उसके अलावा इसके जितने भी टोटल 7 होल्स हैं बाहर की तरफ उनके अंदर ये छोटे वाले 7 बोल्ट्स लगने वाले हैं। और अभी इन सारे बोल्ट्स को क्रिस क्रॉस पैटर्न में हैंड टाइट करना है एंड उसके बाद इनको प्रॉपरली अगेन क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही टाइट करना है। एंड टॉर्क स्पेक्स हैं वो अवेलेबल है नहीं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन कर नहीं रहे हैं, तो इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में मैं टाइट कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं।
और अभी हमने इसको फिर से फ्लिप कर लिया है एंड अभी लगाने वाले हैं ये 5 पिंस जो कि हमारा शिफ्टर ड्रम है उसके अंदर लगेंगी। तो शिफ्टर ड्रम है उसके अंदर टोटल 6 होल्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये जो होल है जो कि ऑफसेट है इसमें हमें कोई भी टाइप की पिन नहीं लगानी है। उसके अलावा जो 5 होल्स हैं उनके अंदर ये जो पिंस हैं इनको इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो गियर स्टार है उसको लगाना है और इसमें ये जो जी मार्क लगा हुआ है इसको ऊपर की तरफ रखना है और इसका ये वाला जो मार्क है इसको ये जो होल है इसके बराबर में रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देना है। उसके बाद में ये कवर प्लेट है इसको लगाना है जो होल्स हैं उनको अलाइन करते हुए एंड उसके बाद ये एक प्लेट है तो इसमें जो उभरा हुआ सेक्शन है उसको नीचे की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड उसके बाद एक 5 mm का एलन बोल्ट जिसके ऊपर थोड़ा सा लोकटाइट यूज़ करते हुए लगा करके इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद लगाना है इस वाली प्लेट को तो ये वाला जो बैरिंग है इसको होल्ड करने का काम करती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर जब हम स्टॉपर प्लेट लगाएंगे तब ये उसको भी होल्ड रखेगी। तो इसमें नीचे वाला जो होल है उसके अंदर ये एक स्क्रू लगेगा जिसपे आप थोड़ा सा लोकटाइट यूज करें एंड उसके बाद इसको टाइट कर दें, बट इसको अभी पूरा टाइट नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल सा टाइट करना है एकदम हल्के हाथ से। उसके बाद बारी आती है स्टॉपर प्लेट है उसको लगाने की। तो स्टॉपर प्लेट है वो कुछ इस तरीके से लगेगी, मीन्स इसका जो ये रोलर वाला पार्ट है ये इसकी जो आर्म है इससे ऊपर उठा हुआ रहेगा उस डायरेक्शन में एंड उसके बाद इसके नीचे एक वॉशर लगेगा जिसमें थोड़ा सा उभरा हुआ सेक्शन है तो इसको नीचे की तरफ इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्लॉट कर देंगे एंड इसके ऊपर एक वॉशर रखा जाएगा कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद इसको ये वाला जो होल है इसके साथ लाइन करते हुए यहाँ पर प्लेस करना है एंड देन इसका 10 mm का एक बोल्ट है जिसके ऊपर थोड़ा सा लोकटाइट यूज़ करते हुए इसको लगा करके टाइट कर देंगे। साथ ही साथ नीचे वाला जो स्क्रू है उसको भी टाइट करना ना भूलें और इसको टाइट करने के बाद एक बार इसको चेक कर लें कि इसका जो फ्री प्ले है वो नॉर्मल होना चाहिए, अगर इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा देन प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अभी बारी आती है ये जो स्प्रिंग है इसको लगाने की। तो इसमें दोनों साइड कट्स बने हुए हैं तो इसका एक जो कट है उसको यहाँ पर प्लेस करना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद दूसरी साइड आप इसको कुछ इस तरीके से पुल करके इसका जो स्लॉट है उसमें इंसर्ट करेंगे जस्ट लाइक दैट। और अभी सबसे बेस्ट टाइम है जो गियर्स हैं उनको चेक करने का। तो अभी न्यूट्रल में है तो जब आप इनपुट शाफ्ट को रोटेट करेंगे तब आप देख सकते हैं कि आउटपुट शाफ्ट और उसका जो बैरिंग है वो मूव नहीं कर रहा है। उसके बाद शिफ्ट करते हैं इसको फर्स्ट गियर में तो ये फर्स्ट हो गया। सो अभी एज यू कैन सी आउटपुट शाफ्ट और उसका जो बैरिंग है वो रोटेट कर रहे हैं अगर मैं इनको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी। उसके बाद सेकेंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ और बस इसमें 4 ही गियर आते हैं। सो गियर वर्क्स हमारा एकदम परफेक्ट है। और अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप जो गियर शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं, बट उससे पहले इसका ये वाला जो स्टड है इसको एक बार चेक कर लें कि ये लूज तो नहीं है एंड उसके बाद आप जो गियर शाफ्ट है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें एक यहाँ पर स्प्रिंग लगी रहती है जस्ट मेक श्योर उसकी जो टेंशन है वो प्रॉपर हो एंड उसके अलावा एक ये स्प्रिंग लगी रहती है तो ये किस टाइप से लगी हुई आप देख सकते हैं। बीच में यहाँ पर एक डाउल लगी हुई है एंड दैट्स इट। तो इसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लिया है एंड अभी ये वाला जो होल है इसके अंदर से इसको पास थ्रू करना है एंड इसका ये वाला जो सेक्शन है इसको जो स्टड है उसके बीच में से कुछ इस तरीके से निकालना है एंड उसके बाद ये जो लैच है इसका इसको पीछे की तरफ करते हुए इसको पुश करेंगे एंड यहाँ पर इसको स्लॉट करके इसको फिट कर देंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपर्ली काम कर रही है क्या। और अभी बारी आती है जो किक शाफ्ट है उसको प्रेप करने की एंड टू माई सरप्राइज इसमें गियर बॉक्स में इतने वॉशर्स और सर्कलिप्स नहीं लगी जितनी इसमें किक शाफ्ट में लग रही हैं, बट नॉनदलेस सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक सर्कलिप को यहाँ लगाने से। और सर्कलिप को यहाँ पर लाने के बाद में ये जो 3 वॉशर्स हैं इनमें एक छोटी साइज़ का है, 2 वॉशर्स सेम है तो जो 2 सेम वॉशर्स हैं उनमें से एक वॉशर को यहाँ पर लगाना है। थोड़ा सा इस पर ऑयल यूज़ करेंगे एंड उसके बाद ये वाला जो गियर है इसमें एक साइड आपको कुछ ग्रूव्स बने हुए दिखेंगे, दूसरी साइड आपको प्लेन दिखेगी, मीन्स उसमें एक खड्डा है बट वैसे प्लेन है। तो जो प्लेन साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, जो ग्रूव्स वाली साइड है उसको अंदर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। उसके बाद फिर से एक वॉशर लगेगा एंड उसके बाद यहाँ पर एक स्लॉट है जिसके अंदर एक सर्कलिप लगेगी तो वो मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक स्लॉट है एक सर्कलिप को उसमें भी लगाना है। अभी ये वाली जो साइड है इस पर थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे एंड उसके बाद बारी है ये वाला गियर है जिसको रैचेट गियर भी बोलते हैं इसको लगाने की। तो बेसिकली इसके अंदर आपको एक डॉट बना हुआ दिखेगा, मीन्स एक डॉट की मार्किंग है इसमें एंड हमारी जो किकशाफ्ट है उसमें आपको एक मार्क बना हुआ दिखेगा एक छोटी सी लाइन जैसी। तो इसमें हमें बस इतना करना है
कि जो रैचेट गियर है उसका डॉट और जो शाफ्ट है उसका मार्क, उन दोनों को आपस में अलाइन रखते हुए इसको अंदर की साइड कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। उसके बाद ये वाली जो स्प्रिंग है इसको यहाँ पर लगाना है, और ये आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं। उसके बाद इस स्प्रिंग को कंप्रेस रखते हुए यहाँ पर एक स्लॉट है, उसके अंदर आपको ये सर्क्लिप लगानी है। तो ये जो सर्क्लिप है ये मैंने मेथड तो बता ही रखा है, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगी लगने के बाद। एंड लास्ट में इस साइड में यहाँ पर ये एक वॉशर लगेगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये एक इसकी स्प्रिंग है जो कि किक रिटर्न स्प्रिंग भी बोली जाती है। इसमें आपको ये वाला जो होल दिख रहा है इसको, ये वाली साइड है, इसको नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर ये वाला जो होल है इस पॉइंट को इसके अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। एंड उसके बाद ये एक स्लीव है प्लास्टिक की, इसमें जो कट वाला सेक्शन है उसको हमारी जो ये स्प्रिंग है जिसमें जो ये सेक्शन हमने लगाया है उसकी साइड रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। एंड अभी जब हम इसको क्रैंक केस में लगाएंगे तो रैचेट गियर का ये वाला जो सेक्शन है इसको हम वहां पर, सबसे पहले हमने जो दो स्क्रूज टाइट किए थे किक की स्टॉपर प्लेट के, वहां पर इसको स्लाइड करना है। ये वाली जो प्लेट है इसकी बात कर रहा था मैं, हमारी जो किक शाफ्ट है वो इस होल में लगेगी, और जो सेक्शन मैंने बताया रैचेट गियर का वो ये वाली जो प्लेट है, इसका जो ये कर्व है इसके नीचे स्लाइड होगा। तो अभी हम वही कर रहे हैं, जो प्लेट है उसके नीचे जो रैचेट गियर है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, और रैचेट गियर का जो सेक्शन है उसको जो प्लेट है उसके नीचे स्लाइड करने के लिए अगर आपको ये जो स्प्रिंग है और इसकी जो स्लीव है उसको निकालना पड़ जाए तो एक बार निकाल लें। मैंने आपको पहले इसलिए दिखाया था बिकॉज यहाँ पर लगा के दिखाता तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। अभी ये वाला जो एरिया है स्प्रिंग का, इसको यहाँ पर ये जो होल बना हुआ है इसके अंदर हमें ट्विस्ट करके स्लॉट करना है कुछ इस तरीके से। एंड बस हमारी जो किक शाफ्ट है वो इंस्टॉल हो चुकी है। वॉलेट सो अभी बारी आती है ऑयल पंप उसका इंस्टॉल करने की, तो इसके पार्ट नंबर और इसकी जो प्राइसिंग है वो अभी आप देख सकते हैं। अभी इसको अनबॉक्स करते हैं एंड करते हैं इंस्टॉल, बट उससे पहले दो ओरिंग्स हैं उनको लगाना है, एक यहाँ पर लगेगी एंड जो सेकंड वाली है वो यहाँ पर लगेगी। अभी लगानी है यहाँ पर एक डाउल, एंड उसके बाद ऑयल पंप के जो ये होल्स हैं इनको अलाइन करते हुए इन सारे होल्स के साथ में, एंड इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर देना है। उसके बाद बारी आती है इसके तीन स्क्रूज हैं उनको लगाने की, तो सबसे साइज में जो बड़ा स्क्रू है वो यहाँ पर लगेगा जहाँ पर हमने डाउल लगाई है, एंड उसके अलावा बाकी के जो दो स्क्रूज हैं वो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगने वाला है, एंड उसके बाद इन तीनों को टाइट करना है। उसके बाद बारी आती है ये जो वुडरफ की है इसको लगाने की, तो इसका ये वाला स्लॉट है इसको इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है ऑल द वे। उसके बाद लगानी है ऑयल पंप की ड्राइव गियर है उसको, तो ये बाई डायरेक्शनल है, मीन्स आप इसको ऐसे या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, जस्ट इसका जो कट है उसको जो वुडरफ की है उसके पैरेलल रखना है, एंड उसके बाद इसको स्लॉट कर देंगे। साथ ही साथ ये वाली जो गियर है इसके साथ इसके जो टीथ हैं उनको मिश करना है जस्ट लाइक दैट। उसके बाद बारी आती है जो प्राइमरी गियर है उसको लगाने की, तो ये भी बाई डायरेक्शनल है, इसमें भी जस्ट ये वाला जो कट है इसको जो वुडरफ किया उसके साथ अलाइन करते हुए लगाना है। उसके बाद यहाँ पर लगेगा ये एक वॉशर, उसके बाद कॉलर है उसको लगाएंगे, और नेक्स्ट होने वाली है हमारी क्लच हाउसिंग। जो प्राइमरी गियर है उसके साथ इसके जो टीथ हैं उनको मेश करना है। एंड अभी बारी है जो क्लच असेंबली है उसको इंस्टॉल करने की, तो क्लच असेंबली को इंस्टॉल करने से पहले इनको प्रेप करना पड़ता है, बट अभी हब और सेंटर है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है, जस्ट जो फ्रिक्शन प्लेट्स और जो प्रेशर प्लेट्स हैं वो रिप्लेस हो रही हैं, तो उनके आप पार्ट नंबर और प्राइसिंग अभी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे एक फ्रिक्शन प्लेट, और वैसे तो इनकी डायरेक्शन नहीं होती है बट मैं इनमें जो नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं उनको नीचे की साइड रखना प्रेफर करता हूँ, जिससे कि जब इसको लगाएं तो वो नंबर्स वगैरह वो ऊपर की तरफ आ जाएं। एंड बजाज ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं वो प्री लुब्रिकेटेड हैं, तो इनमें अभी हमें और ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे एक प्रेशर प्लेट, तो प्रेशर प्लेट में एक साइड आपको थोड़ी शार्प फील होगी और एक साइड स्मूथ, तो जो स्मूथ साइड है उसको नीचे की तरफ करेंगे अभी, ताकि जब हम इसको लगाएंगे तब वो ऊपर की तरफ आ जाएगी एंड जो शार्प साइड है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो अभी प्रोसेस है वो रिपीट होने वाली है बिकॉज अभी एक फ्रिक्शन प्लेट लगेगी उसके बाद फिर से एक प्रेशर प्लेट लगेगी, तो उनको मैं लगा लेता हूँ एंड उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में जो इसकी प्लेट है अंदर की साइड वाली जिसको सेंटर भी बोलते हैं, तो उसको लगाना है, तो इसके जो सिक्स स्टड्स हैं उनको सिक्स होल्स के साथ अलाइन करते हुए जस्ट ऐसे प्लेस करना है। उसके बाद जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनमें से चार फ्रिक्शन प्लेट्स को एक लाइन में अलाइन करना है, एंड एक फ्रिक्शन प्लेट है उसको ऑफसेट रखना है, बिकॉज
हमारी जो क्लच हाउसिंग है उसमें भी जो डिज़ाइन है वो कुछ इसी तरीके से है कि चार फ्रिक्शन प्लेट्स हैं वो एक जगह लगेंगी एंड एक जो फ्रिक्शन प्लेट है वो ऑफसेट लगेगी। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब आप लॉन्ग टाइम के लिए बाइक को पार्क कर दें देन उसके बाद जब आप क्लच प्रेस करें तो जो प्लेट्स हैं वो आपस में चिपक ना सकें। अभी इसको एज इट इज़ जो इसके स्लॉट्स हैं उनको अलाइन करते हुए इसकी जो जगह है वहाँ पर प्लेस करना है। एंड यूजुअली ये इतना आसानी से फिट होता नहीं है तो आपको थोड़ा सा हसल करना पड़ सकता है इसके लिए। एंड अभी लगाना है एक बेलवेल वॉशर जो कि यहाँ पर लगेगा एंड उसके बाद इसका नट लगेगा। उसके बाद एक स्पेशल टूल आता है इसका, उसकी हेल्प से इसको होल्ड करके ये जो नट है इसको टाइट करना है। और ये नॉर्मली जो नट टाइट होते हैं वैसे ही होता है एंड ये बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज कुछ नट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज भी टाइट होते हैं। अभी बारी आती है इसकी जो क्लच स्प्रिंग्स हैं उनको लगाने की। सो टोटल इसमें 6 स्प्रिंग्स लगती हैं। उसके बाद लगेगी इसकी प्लेट जिसके होल्स को आपको इसके होल्स के साथ अलाइन करना है एंड उसके बाद लगेंगे 6 बोल्ट्स जिनके साथ अगर वॉशर्स मिल जाते तो ज़्यादा बेटर रहता बिकॉज आई कैन सी कि ये जो बोल्ट्स हैं ये इस प्लेट को वेयर आउट कर रहे हैं। एंड उसके बाद इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ग्रेजुअली 1x1 करके टाइट करना है। उसके बाद लगानी है ये एक होल्डिंग प्लेट जो कि क्लच रिलीज बैरिंग है उसको होल्ड करने का काम करती है। एंड उसके बाद लगेगा लिफ्टर बैरिंग, तो इसके पार्ट नंबर और इसकी प्राइसिंग आप अभी देख सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड अभी यहाँ पर लगेगा स्ट्रेनर, तो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड इसको पुश करना है। और अभी हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें ये वाला जो स्लॉट है इसके अंदर एक की लगानी है हमें कुछ इस तरीके से। एंड फिर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर, तो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर में यहाँ पर ये जो कट बना हुआ है इसको जो की है उसके पैरेलल रखना है एंड उसके बाद इसको ऑल द वे कुछ इस तरीके से पुश करना है। उसके बाद यहाँ पर एक वॉशर है उसको ड्रॉप करते हैं एंड उसके बाद लगाना है ये एक नट, इसका स्पेशल नट आता है बेसिकली ये। एंड इस पर मैं थोड़ा सा लॉकटाइट यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो लॉकटाइट ना भी यूज़ करें, नॉट एन इशू। एंड उसके बाद एक 24mm के ओपन स्पैनर की हेल्प से जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है उसमें यहाँ पर जगह बनी हुई है इसको लगाने के लिए कुछ इस तरीके से। इसको होल्ड करके इसका एक स्पेशल टूल आता है उसकी हेल्प से ये जो नट है इसको टाइट करेंगे। उसके बाद इसके जो होल्स हैं उनको अलाइन करते हुए इसका जो गैस्केट है उसको प्लेस करना है एंड उसके बाद लगाएंगे इसकी प्लेट को। बट उससे पहले इसका जो प्लंजर है उसको लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो स्प्रिंग है इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड देन जो प्लंजर है उसमें आपको एक कट बना हुआ दिखेगा वो हिस्सा नीचे की तरफ रखते हुए इसको कुछ ऐसे लगाएंगे एंड उसके बाद इसको ऑल द वे पुश करके दूसरी साइड से इसमें यहाँ पर जो स्लॉट बना हुआ है उस स्लॉट के अंदर से ये जो क्लिप है इसको पास थ्रू करना है जस्ट लाइक दैट। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं एंड इसको थोड़ा सा पुश कर लेते हैं जिससे कि जो ऑयल है वो सर्कुलेट हो जाए एंड देन इसके जो होल्स हैं उनको अलाइन रखते हुए इसको प्लेस करना है और इसके जो 3 स्क्रूज हैं उनको लगाना है। सो उसके बाद जो गैस्केट है उसको जो डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन करते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। अभी अपना जो आरएच कवर है उसमें सबसे पहले जो किकशाफ्ट है उसकी जो ऑयल सील है उसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद एक ऑयल सील जो हमारा क्लच रिलीज की जो शाफ्ट है वहां पर लगेगी ये वाली। उसके बाद जो क्लच रिलीज शाफ्ट है उसको लुब्रिकेट करके जहां पर हमने ऑयल सील लगाई है वहां पर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे ऑल द वे एंड उसके बाद शाफ्ट में ये जो कट है इसको ये वाला जो होल है इसमें अलाइन रखते हुए ये जो छोटी शाफ्ट है इसमें जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ रखते हुए कुछ ऐसे लगाना है एंड उसके बाद ये जो आर्म है इसको नीचे की तरफ रखते हुए होल्ड रखेंगे जिससे कि ये जो शाफ्ट है ये लगाते टाइम गिरेगी नहीं। एंड अभी रिलीज शाफ्ट है उसको लॉक रखते हुए जो इसके होल्स हैं किक शाफ्ट के साथ उनको अलाइन रखते हुए डाउल्स के साथ जो आरएच का और उसको अलाइन करना है एंड उसके बाद इसको इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद ये एक प्लेट है जो कि क्लच का जो लीवर है उसको होल्ड करने का काम करती है, तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड उसके बाद इसके जितने भी होल्स हैं उनमें टोटल 10 बोल्ट्स लगेंगे 8mm के जिनकी साइज सिमिलर है, तो इन सभी को लगा करके क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। और अभी एक बार के लिए जो फिल होल की कैप है उसको लगा देते हैं, साथ ही साथ इसकी जो ओरिंग है वो लगाएंगे
एंड इसको एक बार के लिए टेम्प्ररी टाइट कर रहे हैं। फिर लगाते हैं ड्रेन बोल्ट, साथ ही साथ इसका जो क्रश वॉशर है उसको भी लगाना याद रखना है, एंड इसको लगा करके करना है टाइट एंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके बाद गियर शाफ्ट की ऑयल सील और आउटपुट शाफ्ट की जो ऑयल सील है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनको लुब्रिकेट करना है एंड ऑयल सील इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो नॉर्मल है। उसके बाद जो ऑयल सील है उसको जस्ट ड्रॉप करना है एंड उसके बाद ऑल द वे पुश करना है, एंड उसके लिए आप एक डीप सॉकेट की हेल्प ले सकते हैं। एंड उसके बाद जो आउटपुट शाफ्ट की ऑयल सील है उसको भी ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद इसकी एक ये कॉलर या फिर स्लीव इसको लगाना है। तो इसके अंदर की साइड एक स्लॉट बना हुआ है जिसके अंदर ये ओरिंग लगती है, तो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड उसके बाद ओरिंग वाली साइड अंदर की तरफ रखते हुए इसको लगा करके पुश कर देंगे। उसके बाद बारी आती है न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसको लगाने की। तो इसमें एक क्रश वॉशर लगता है और ये यहाँ पर लगेगा, तो इसको कुछ इस तरीके से क्रश वॉशर को माइंड में रखते हुए लगाना है। इसको वैसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप इंस्टॉल करेंगे जो टाइमिंग चैन है उसको। तो इसके पार्ट नंबर और इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं। टाइमिंग चैन को बेसिकली यहाँ पर इसका जो स्लॉट है उसके अंदर से पास थ्रू करना है एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से ला करके इसका जो ये गियर है इसके अंदर ऐसे स्लॉट कर देना है। उसके बाद लगाते हैं टाइमिंग चैन की स्टॉपर प्लेट को, जो कि इन दो होल्स के साथ अलाइन होकर के कुछ इस तरीके से लगेगी। एंड उसके बाद इसके दो स्क्रूज लगाने हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा लॉकटाइट यूज़ कर रहा हूँ मैं, इन दोनों होल्स में लगा करके इनको टाइट करना है। उसके बाद बारी आती है जो टाइमिंग चैन की जो गाइड हैं उनको लगाने की। तो इनमें से ये वाली जो कि थोड़ी रिजिड है, मीन्स ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसमें मेटल की बैक प्लेट है, वो इस साइड लगेगी कुछ इस तरीके से। इसमें ये वाला जो सेक्शन है इससे भी इसको आइडेंटिफाई करा जा सकता है बिकॉज यहाँ पर जो चैन टेंशनर है वो फोर्स अप्लाई करता है। तो इसको कुछ इस तरीके से ये वाला जो होल है इसके पास में ला करके अलाइन करना है। एंड जो सेकंड वाली गाइड है उसमें जो ये वाला सेक्शन है जो कि स्मूथ है उसको अंदर की तरफ रखते हुए ये वाला जो स्लॉट है इसमें ला करके अलाइन करना है। उसके बाद जो गाइड्स हैं उनके दोनों होल्स के अंदर ये दो डाउल्स हैं इनको लगाना है। एक जो डाउल है वो यहाँ पर एंड जो सेकेंड वन है वो यहाँ पर। उसके बाद इसके दो ये स्क्रूज हैं लॉन्ग साइज के, ये लगेंगे यहाँ पर। टाइट करने के बाद ये वाली जो गाइड है इसका एक बार मूवमेंट चेक कर लें, इसका मूवमेंट एकदम फ्री होना चाहिए। ऑलराइट, सो अभी बारी है मैग्नेट कॉइल है उसको एंड उसके साथ उसकी जो प्लेट है उसको इंस्टॉल करने की। तो अगर आपने जो कॉइल है उसको रिमूव कर रखा है तो आप देख लें, एक स्क्रू यहाँ पर है, एक स्क्रू यहाँ पर है, इनके साथ वॉशर्स हैं, साथ ही साथ इसमें जो वायर्स हैं वो कुछ इस तरीके से निकले हुए हैं। यहाँ पर एक वायर को होल्ड करने के लिए क्लिप लगा रखी है एंड इस साइड भी वायर को होल्ड करने के लिए क्लिप लगी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्राउंड वायर है वो कनेक्ट कर रखा है एंड उसके अलावा जो कॉइल है उसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो स्क्रूज हैं वो लगे हुए हैं। तो काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पर इतनी छोटी सी चीज़ में, बट एनीवेज इसको फ्लिप करते हैं। एंड यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ऑयल सील है उसको लगाना है। तो ऑयल सील का जो स्लॉट है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेते हैं एंड उसके बाद जो ऑयल सील है उसमें जो ओपन सेक्शन है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए इस ऑयल सील को यहाँ पर ड्रॉप करना है। एंड ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंटफुली इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो ऑयल सील है उसको डैमेज कर देंगे। यहाँ पर एक टिप मैं ये दे सकता हूँ कि इसकी जो स्प्रिंग है एक बार आप उसको केयरफुली निकाल लें एंड उसके बाद जब इसको पूरा ऑल द वे इंसर्ट कर दें तब ये जो स्प्रिंग है इसको फिर से लगा देना। ऑलराइट, सो जो ऑयल सील है वो प्रॉपरली इंसर्ट हो गई है, अभी इसकी जो स्प्रिंग है उसको फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर लगेगा एक बैरिंग जिसका जो नंबर है वो है 6003, तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड उसके बाद इसको ड्राइव इन करेंगे। उसके बाद लगानी है इसके बाहर आउटर सरफेस पे जो ओरिंग लगती है उसको। तो इसको लगाने से पहले थोड़ा सा लुब्रिकेट करें एंड उसके बाद इसके लिए जो चैनल बना हुआ है उसके अंदर इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर दें। एंड अभी बारी आती है इसको जो हमारा क्रैंक केस है उसमें इंस्टॉल करने की। ऑलराइट, सो इसके जो दो क्रोमेट्स हैं उनमें मैंने थोड़ा सा 3 बॉन्ड अप्लाई किया है जिससे कि ऑयल लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो कम हो। वैसे तो इसमें ऑयल लीक होता भी नहीं है बट यू नो आदत हो गई है इसलिए लगा दिया। एंड उसके अलावा ये वाला जो सेक्शन है जहाँ से वायरिंग निकली हुई है इसको ऊपर की तरफ रखते हुए जो बैरिंग है उसको क्रैंकशाफ्ट में कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और इन तीन होल्स को नीचे जो 3 होल्स हैं उनके साथ अलाइन करते हुए इसको पुश करना है। साथ ही साथ ये जो ग्रोमेट्स हैं इनको भी इनके जो स्लॉट्स हैं उनमें प्लेस करना है। उसके बाद इसके 3 5 mm के एलन बोल्ट्स हैं जिनके साथ इनके क्रश वॉशर्स हैं और इन पे हल्का सा मैंने लॉकटाइट यूज़ किया है ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो इन तीनों होल्स के अंदर
कुछ इस तरीके से प्लेस करके टाइट करना है, एंड इनको भी क्रिस क्रॉस पैटर्न में इवनली टॉर्क अप्लाई करते हुए हमें टाइट करना है। उसके बाद ये जो कनेक्टर है इसको हमारा जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस करके पुश करना है। एंड अभी बारी आती है एक वुडरफ की है उसको लगाने की, जो कि यहाँ पर जो स्लॉट है उसमें लगेगी, तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और अभी बारी आती है मैग्नेट को लगाने की, तो इसमें भी यहाँ पर जो स्लॉट बना हुआ है उसको इसके साथ लाइन करके इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। एंड बिकॉज मैग्नेट अंदर की साइड लग रहा है एंड कॉइल इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, तो ये जो मैग्नेट है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, सो आपको थोड़ा सा केयरफुली इसको प्लेस करना है। उसके बाद एक वॉशर है उसको ड्रॉप करना है यहाँ पे, एंड उसके बाद लगेगा इसका नट। उसके बाद इसका एक स्पेशल टूल आता है जिसकी हेल्प से इसको होल्ड करके 14 मिलीमीटर के सॉकेट की हेल्प से इसको टाइट करना है। उसके बाद यहाँ पर दो डाउल्स लगती हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, मेक श्योर वो अपनी जगह पर हों, नहीं है तो आप उनको इंस्टॉल कर दें। एंड उसके बाद जो गैस्केट है उसको डाउल्स के साथ अलाइन करते हुए प्लेस करना है। उसके बाद जो एलएच कवर है उसको जो गियर शाफ्ट है उसके साथ इसका जो होल है उसको अलाइन करते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। एंड उसके बाद जो डाउल्स हैं मेक श्योर वो भी अपनी प्लेस पर हों। उसके बाद इसके टोटल 5 बोल्ट्स हैं 8 मिलीमीटर के, उनको लगाना है जो कि सेम साइज़ के हैं, तो एक यहाँ पर लगेगा, दूसरा यहाँ पर, थर्ड वन यहाँ पर, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन दो होल्स में जो इसका स्प्रॉकेट कवर लगता है उसके बोल्ट्स लगते हैं, और अभी इन सभी को क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। और अभी जो टाइमिंग चैन है उसको एक बार अंदर की साइड ड्रॉप कर देते हैं, और ऐसा आप तभी करें जब आपके पास मैग्नेट पेन हो, बिकॉज जब सिलेंडर लग जाएगा तब इसको निकालना डिफिकल्ट होगा। सो जस्ट इन केस आप मैग्नेट पेन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इन दो स्लॉट्स के अंदर दो लोकेटिंग डाउल्स हैं, उनको लगाना है, एक यहाँ पर एंड दूसरी जो है वो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक पेपर गैस्केट लगेगा, तो इस पर आप चाहें तो 3 बॉन्ड अप्लाई कर सकते हैं, वैसे मैंने ग्रीस अप्लाई किया है बिकॉज इसका जो फेस है वो अच्छी कंडीशन में है, तो इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। एंड अभी बारी है जो सिलेंडर किट है उसको अनबॉक्स करने की, तो इसके पार्ट नंबर और प्राइसिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसमें अनबॉक्सिंग के नाम पर बस इतना ही आता है, सब कुछ इसके अंदर पहले से फिट करके दे रखा है, बट हमें उनको निकालना पड़ेगा। तो जो पिस्टन है उसको एकदम स्लोली पुल आउट कर लेते हैं, एंड जो सिलेंडर है एक बार उसको साइड में रख देते हैं। ऑलराइट, सो इसमें पिस्टन रिंग्स वगैरह हैं, जो पिस्टन की पिन है और उनकी जो क्लिप्स हैं वो सब कुछ इंस्टॉल करके दे रखा है, बट अभी के लिए हमें जो सरक्लिप है एक बार एक साइड की उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं वो कर रहा हूँ। और सरक्लिप है उसको इंस्टॉल करते टाइम और निकालते टाइम दोनों टाइम हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज जो पिस्टन है वो एल्यूमिनियम का है। सो क्लिप हमने निकाल ली है, अभी हम जो पिस्टन पिन है उसको भी ध्यान से इतना निकालना काफ़ी रहेगा। अभी जो पिस्टन है उसमें TA एंड एक एरो का मार्क बना हुआ है, और ये जो एरो का मार्क है इसने EX लिखा हुआ है उसको हाइड कर रखा है। EX मींस एग्जॉस्ट, और वैसे तो यहाँ पर मार्क बना हुआ ही है, तो जिस साइड इस एरो की डायरेक्शन पॉइंट कर रही है उस साइड हमें एग्जॉस्ट रखना है, मींस जिस साइड हमारा साइलेंसर लगता है उस साइड हमें ये एरो है ये पॉइंट करना है। उसके अलावा एक वाल के लिए जो स्लॉट बना हुआ है वो बड़ा है एंड दूसरे वाले के लिए छोटा है, तो जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो साइज में छोटा होता है, तो हम उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एग्जॉस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, तो अभी इसको एज इट इज जो हमारी कनेक्टिंग रोड है उसमें कुछ इस तरीके से प्लेस करके जो पिस्टन पिन है उसको कनेक्टिंग रोड के अंदर से पास थ्रू करना है, जस्ट लाइक दैट। अभी एक बार के लिए यहाँ पर एक क्लोथ है उसको रख लेंगे, जिससे कि सरक्लिप इंस्टॉल करते टाइम अंदर ना गिर जाए, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड उसके बाद ये जो सरक्लिप है इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, एंड ये काफ़ी ट्रिकी रहता है, तो इसको मैंने पुरानी जो वीडियोस हैं उनमें काफ़ी बार मेंशन कर रखा है, तो इसलिए इसमें मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ पिस्टन रिंग्स हैं उनको लगाते कैसे हैं, तो अभी आई बटन में एक वीडियो आ रही है उसमें पिस्टन रिंग्स को कैसे लगाते हैं एंड साथ ही साथ जो सर्किल पे उसको कैसे लगाते हैं, दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। और जो पिस्टन रिंग्स की लोकेशन है वो मैं आपको ब्रीफली अभी ये सर्किल लगाने के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, सो पिस्टन रिंग के एंड गैप्स की जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से करनी है। टॉप वन रिंग मैंने यहाँ पर रखी है, टॉप टू यहाँ पर, जो रेल रिंग वन है वो यहाँ पर है, रेल रिंग टू यहाँ पर है, एंड जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग का कट है वो यहाँ पर रखा है। बाकी अगर आप टॉप वन रिंग का गैप यहाँ पर और टॉप टू का यहाँ पर रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट मुझे यही पसंद है इसलिए मैंने ऐसे ही किया है। ऑलराइट, सो अभी बारी आती है हमारा जो सिलेंडर है उसका इंस्टॉल करने की, तो सिलेंडर इंस्टॉल करने से पहले सिलेंडर के अंदर की जो वॉल है
उसको आप अच्छे से क्लीन कर लें एंड अच्छे से लुब्रिकेट कर लें। सेम चीज़ आपको पिस्टन है उसके साथ करनी है। सिलेंडर इंस्टॉल करते टाइम एक चीज़ मेक श्योर करनी है, वो ये कि जो पिस्टन रिंग्स का गैप है वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो अभी सबसे पहले जो गाइड है और जो टाइमिंग चेन है उसको इसके अंदर से पास थ्रू करते हैं। एंड मीनवाइल जो सिलेंडर है उसको जो पिस्टन है उसके ऊपर प्लेस करके जो पिस्टन है उसको सिलेंडर के अंदर से पास थ्रू करना है। एंड उसके बाद जो सिलेंडर है उसको ऑल द वे अंदर की साइड जो डाउल्स हैं उनके साथ मैच करके लगा देंगे। एंड उसके बाद सिलेंडर को होल्ड रखते हुए जो टाइमिंग चैन है उसकी हेल्प से जो पिस्टन है उसको पूरा टॉप पर ले आएंगे। एंड अभी दो डाउल्स हैं उनको प्लेस करना है, एक यहाँ पर एंड जो सेकंड वन है उसको यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्सेसिव ऑयल था उसको मैंने वाइप आउट कर दिया है। एंड अभी जो हेड गैस्केट है उसको लगाना है। तो हेड गैस्केट में ये वाला जो कट है इसको हमारी जो टाइमिंग चैन की गाइड है उसमें दो सेक्शन बाहर निकले हुए उनकी तरफ रखते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। ऑलराइट, सो अभी बारी है जो सिलेंडर हेड है उसको प्रेप करने की एंड उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये दो वॉशर्स हैं इनको वन बाय वन यहाँ पर जो वाल्व की गाइड लगी हुई है उसके अराउंड ड्रॉप करना है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद लगानी है वाल्व सील्स जिनकी प्राइसिंग वगैरह आप अभी देख सकते हैं। तो जो वाल्व की गाइड है उसको थोड़ा सा ऑयल में डिप करेंगे एंड उसके बाद जो वाल्व सील है उसको गाइड के ऊपर पुश कर देंगे। एंड सेम जो प्रोसेस है वो दूसरी साइड के लिए भी रिपीट करनी है। उसके बाद दोनों जो वाल्व्स हैं उनको इंस्टॉल करना है। तो इनका जो स्टेम है उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करना है एंड जो बड़ी साइज़ का वाल्व है वो इनटेक साइड में लगेगा एंड छोटी साइज़ का जो वाल्व है वो एग्जॉस्ट साइड में लगेगा। उसके बाद लगानी है वाल्व स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग में जिस साइड दो कोइल्स के बीच में गैप कम है उसको नीचे की तरफ रखते हुए इनको यहाँ पर दोनों साइड वन बाई वन करके ड्रॉप करना है। उसके बाद लगानी है इनकी रिटेनर प्लेट्स एंड उसके बाद में लगानी है इनकी कोटर्स। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बिकॉज ये सिलेंडर हेड काफ़ी कंजेस्टेड है तो मैं शोकेस नहीं कर पाऊंगा। तो अभी आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। वो जो सिलेंडर हेड है वो काफ़ी ओपन है, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। बट इस केस में इन चारों को दो यहाँ पर लगेंगी एंड दो यहाँ पर, इनको मैं लगा लेता हूँ एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑलराइट, सो अब बारी है कैमशाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। एंड बिकॉज इसका जो सिलेंडर हेड है वो हमने पूरा ही पुराना परचेस किया था तो उसमें ये कैमशाफ्ट आई थी जिसकी कंडीशन पुराने वाली से काफ़ी बेटर है। तो इसमें जो बैरिंग्स हैं उनको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बिकॉज नई कैमशाफ्ट हमें अवेलेबल नहीं हो पाई। वैसे प्राइसिंग तो उसकी 600 to 800 रुपीज़ के बीच में ही रहती है बट ना मिलने की वजह से इसमें बैरिंग्स हैं वो चेंज कर रहे हैं। सो इसमें बैरिंग्स हैं, उनका सीन ये है कि इस साइड वाला जो बैरिंग है उसमें दोनों साइड ऑयल सील है, उनको रिमूव करके लगाना है। मतलब ये बैरिंग बिना ऑयल सील्स के लगेगा एंड इस साइड वाला जो बैरिंग है उसमें एक साइड ऑयल सील रहेगी, दूसरी साइड ऑयल सील है उसको रिमूव करना है। अभी मैं इन बैरिंग्स को जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो अभी कैमशाफ्ट जहाँ पर लगने वाली है उन सारे स्लॉट्स को अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे एंड उसके बाद जो कैमशाफ्ट है उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। एंड अभी बारी है जो रोकर आर्म है उसको इंस्टॉल करने की। तो जो रोकर आर्म है उसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे नीडल्स लगे हुए हैं, बेसिकली नीडल बैरिंग है बट ये ओपन है, ये लॉक नहीं है। तो इनमें अगर आप इसकी जो पिन है उसको रिमूव कर लेते हैं देन ये जो नीडल्स हैं वो गिरने के चांसेस रहते हैं। सो आप मेक श्योर करें कि इसको वॉश करते टाइम आप इसकी जो नीडल्स हैं उनको अच्छे से केयरफुली इसमें प्लेस करके रखें एंड क्लीन करने के बाद में हल्का हल्का इनके ऊपर ग्रीस लगा करके जो ये पिन है इसको लगा करके कुछ इस तरीके से रखें जिससे कि जो नीडल्स हैं वो ड्रॉप ना हो। एंड लगाते टाइम ही आपको जो ये पिन है इसको रिमूव करना है केयरफुली एंड उसके बाद जो नीडल्स हैं उनको एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लें कि सारी अपनी पोजीशन पर हैं। एंड उसके बाद किसी भी एक साइड से जो ये वाला सेक्शन है इसको बाहर की तरफ रखते हुए जो इसका स्लॉट है रॉकर का उसके अंदर इसको इंस्टॉल करें। ऑलराइट, सो अभी जो इसकी पिन है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करके जो इसका होल है यहाँ पर उसके साथ जो रोकर का होल है उसको अलाइन रखते हुए बहुत ही केयरफुली हमें ये जो पिन है इसको इंसर्ट करना है, जस्ट लाइक दैट। एंड सेम जो प्रोसेस है वो दूसरी साइड भी रिपीट करनी है एंड उसके बाद ये जो पिन्स हैं इनकी लोकेशन एग्जैक्टली इसी तरीके से करनी है जैसे मैंने अभी कर रखी है। एंड फिर लगानी है स्टॉपर प्लेट। तो इसमें ये जो पोर्शन बना हुआ है इसको ऊपर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड इन दोनों होल्स के अंदर इन दो स्क्रूज को थोड़ा सा लॉक टाइट यूज़ करते हुए लगा करके टाइट करना है। और अभी जो टाइमिंग चैन है उसको ऊपर की साइड ला करके होल्ड रखते हैं एक बार एंड जो सिलेंडर हेड है उसके अंदर से जो टाइमिंग चैन है उसको पास थ्रू करना है एंड उसके बाद जो टाइमिंग गाइड्स हैं दोनों साइड की उनको जो सिलेंडर है उसके अंदर पास थ्रू करना है एंड दैट्स इट। अभी जो टाइमिंग चैन है
उसको जो कैम शाफ्ट है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। उसके बाद ये जो चार होल्स हैं इनके ऊपर इनके जो कॉपर वॉशर्स हैं उनको प्लेस करना है, एंड फिर जो स्टड्स हैं चारों उनको वन बाई वन करके ड्रॉप कर देना है। एंड अभी इन चारों स्टड्स को क्रिस क्रॉस पैटर्न में सबसे पहले हैंड टाइट करेंगे, एंड देन उनके बाद ग्रेजुअली इनको कम्प्लीटली टाइट करना है। एंड आई विश कि इनके टॉर्क स्पेक्स मुझे पता होते, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जो कि एक यहाँ पर लगेगा एंड एक यहाँ पर, और इन दोनों को टाइट करना है। उसके बाद जो कैमशाफ्ट है उसके ऊपर एक कॉलर लगती है, तो सबसे पहले उसको लगाएंगे। एंड अभी बारी आती है जो टाइमिंग है उसको मैच करने की, जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी एंड जो कैमशाफ्ट है उसकी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 14 मिलीमीटर का नट है उसकी हेल्प से इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए हमें जो मैग्नेट है उसमें इस होल के थ्रू टी मार्क है उसको अलाइन करना है। एंड उसके बाद बिकॉज मैं स्प्रोकेट चेंज कर रहा हूँ तो इसकी एमआरपी वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा हमारा स्प्रोकेट, इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको कैमशाफ्ट में एक कट बना हुआ है उसके साथ अलाइन रखते हुए हमें इसके ऊपर जो टाइमिंग चैन है उसको लेकर के आना है। एंड बिकॉज अभी पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर है, अभी अभी हमने जो मैग्नेट का टी मार्क है उसको मैच किया है, तो हमें ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बना रखी है जो कि शायद आपको अभी विजिबल नहीं होगी, बट इसको कुछ इस तरीके से इस मार्क को यहाँ पर इस लाइन के एकदम पैरेलल रखना है और ये सब टाइमिंग चैन लगाते हुए करना है। ऑलराइट, सो अभी एज यू कैन सी जो टाइमिंग है वो हमने मैच कर दी है, एंड ये वाला जो मार्क है इसके बराबर में ये मार्क आ गया है। नीचे पिस्टन है वो टीडीसी पर है, तो अभी इसको कुछ इस तरीके से पुश कर देंगे एंड अभी इसको एक बार फिर से रोटेट करके देख लेंगे जस्ट इन केस अगर टाइमिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इंजन के रोटेशन में कोई इशू आता है, सो वो अभी पता चल जाएगा। अभी फिर से टीडीसी पर आ गए एंड द मार्किंग इज गुड, दैट मीन्स कि हम जो ये बोल्ट है इसके ऊपर लोकटाइट लगा करके इसको टाइट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी ये जो बोल्ट है इसको टाइट करना है, तो उसके लिए जो हमने 14 मिलीमीटर का जो नट है उसको होल्ड किया था उसको होल्ड रखते हुए ये जो बोल्ट है इसको टाइट कर देंगे। एंड अभी एक बार फिर से जो इंजन है उसको पूरा 360 रोटेट करेंगे एंड चेक करेंगे कि किसी टाइप की कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है इसके मूवमेंट में। एंड एक बार फिर से जो टाइमिंग है उसको भी रीमैच कर लेते हैं टॉप डेड सेंटर, एंड ये भी परफेक्ट है। एंड अभी जो वाल क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करना है, तो ये भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में डिटेल में बताया जा चुका है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो अभी बारी आती है जो चैन टेंशनर है उसको इंस्टॉल करने की, तो सबसे पहले इसको क्लॉकवाइज टर्न करके ऑल द वे यहाँ पर इस पोजीशन में लॉक करना है, एंड उसके बाद मेक श्योर करें इसकी यहाँ पर जो ओरिंग लगी हुई है वो प्रॉपरली माउंटेड हो, एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है। उसके बाद इसके दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको यहाँ पर लगा करके इसको टाइट करना है। एंड अभी जो टेंशनर है उसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा टर्न करेंगे एंड उसके बाद छोड़ देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो टेंशन है उसको रिलीज कर देगा। उसके बाद लगाएंगे एक ओरिंग यहाँ पर एंड इसका 10 मिलीमीटर का बोल्ट, एंड अभी एक बार फिर से इसको रोटेट करके चेक करेंगे, फिर से टीडीसी पर लेकर के आएंगे एंड फिर वाल क्लियरेंस देखेंगे एंड जो टाइमिंग चेन की टेंशन है उसको एक बार थोड़ा सा प्रेस करके चेक करेंगे एंड सब कुछ ठीक लग रहा है। दैट मीन्स कि हम इसके जितने भी कैप्स हैं उनको लगा सकते हैं। तो ऊपर वाली तीनों जो कैप्स हैं उनको लगाने के लिए ये किट आता है जिसको आप अभी देख सकते हैं, इसमें तीन ओरिंग्स आती हैं, तो इन तीनों को यहाँ पर लगा करके इनको प्लेस करते हैं। और ये जो तीनों कैप्स हैं इनमें टोटल 6 वोल्ट्स लगेंगे और सारे के सारे सेम साइज के हैं। उसके बाद लगानी है यहाँ पर एक कैप, तो उसमें सबसे पहले क्रश वॉशर लगता है एंड उसके बाद ये जो प्लास्टिक का नट है इसका इसको लगाएंगे, और नीचे वाली जो कैप है उसमें एक ओरिंग लगती है उसको लगा करके इसको कुछ ऐसे लगाना है एंड उसके बाद इन दोनों को टाइट कर देंगे। ऑलराइट, सो अभी बारी है ऑयल लाइन उसको लगाने की, तो ऑयल लाइन कुछ इस तरीके से प्लेस होगी कि ये वाला जो बोल्ट है ये हमें खोल करके इसका एक क्लैंप है उसको लगाना है यहाँ पर एंड उसके बाद इसको टाइट करना है। तो ऑयल लाइन के अंदर ये एक बैंजो बोल्ट लगता है, इसमें सबसे पहले एक क्रश वॉशर यहाँ पर लगेगा, फिर बीच में ऑयल लाइन लगेगी एंड उसके बाद एक क्रश वॉशर कुछ इस तरीके से लगेगा, तो इसको यहाँ पर लगा करके ये वाला जो होल है इसमें इसको टाइट करना है एंड सेम जो प्रोसेस है वो इस वाली साइड भी रिपीट करनी है। एंड विद दैट बिंग सेड इंजन हमारा हो चुका है रेडी, अभी इसमें एक स्पार्क प्लग लगाना है एंड उसके बाद इसको बाइक में माउंट करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ एंड उसके बाद आगे की जो भी प्रोसेस है या डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं जो इंजन है वो असेंबल हो चुका है बाइक के अंदर एंड अभी इसका जो फर्स्ट स्टार्ट है वो कर लेते हैं।
सो सबसे पहले तो इग्निशन ऑफ रहने देते हैं एंड दो चार किक्स हैं वो ऐसे यूज़ करते हैं ताकि जो ऑयल है वो पूरा सर्कुलेट हो जाए ऑल द वे ऊपर तक. एंड बाय द वे इंजन ऑयल इसमें फिल कर दिया है, वो पहले बताना भूल गया था. एंड अभी करते हैं इग्निशन ऑन. ऑलराइट, सो प्लेटिना है वो जा चुकी है. अब बात करते हैं कि टोटल खर्चा कितना आया. सो उसमें बहुत सारा काम हुआ है इंजन के अलावा भी, एंड इंजन में भी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज हुई हैं. कुछ पार्ट्स हैं वो नए डले हैं एंड काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो कि पुराने नई जैसी कंडीशन में थे उनको डाला गया है. सो टोटल कॉस्टिंग जो है वो इंजन अकेले की अराउंड 12,000 रुपीज़ के समथिंग आई है. एंड प्लेटिना के लिए आई थिंक आपको एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लग रहा होगा, बट जिस टाइप की उस इंजन की कंडीशन थी, अभी आई बटन में एक वीडियो आ रही है, आप वो जाकर के देखिए. उसके बाद आप खुद जज करना कि जो पैसे हैं वो ज़्यादा हैं या वर्थ हैं. एनीवेज मेरे को उस चीज़ पे डिबेट करनी भी नहीं है. बाइक है वो जा चुकी है एंड ये वीडियो, मतलब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इस वीडियो का, ये मैं काफ़ी दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ. तो वो बाइक अब वो अराउंड 1000 किलोमीटर्स चल भी चुकी है. कस्टमर बहुत खुश हैं एंड मुझे बस इसी चीज़ से मतलब है. सो विद दैट बींग सैड गाइज, आई थिंक इस वीडियो से प्लेटिना के इंजन रिबिल्ड के बारे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो आई थिंक मैं समझाने में कैपेबल रहा होगा. सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो. फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.